नाच नाच, नाचने के पैसे दिए तेरे को। नाच नाच ले, नाच ले भाई, नाच ले। जी क्या हाल है, फिर से वापसी। तो यार आज जो है मेरा इंट्रो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इंट्रो में डाल दिया। तो क्या हाल है, फिर से वापसी। सर डॉग्स लाइफ वालों का, डॉग्स लाइफ का हुआ इंट्रो, कभी वही देता ज़्यादातर। लेकिन खैर वाली बात है यार, अभी हम अपना भी एक इंट्रो इंशाल्लाह सेट करेंगे। सो फिलहाल एनी वेज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो फिलहाल एनी वेज यार, मॉर्निंग वगैरह हो गई है और सीन्स कुछ ये हैं कि काफ़ी एनर्जेटिक मॉर्निंग है। और ये है कि ये शूट मुझे बगैर किसी आवाज़ के करना पड़ता है, तो पंखा ही बंद है, सब कुछ, गर्मी में खड़ा होकर मैं शूट कर रहा हूँ। सो फिलहाल एनी वेज, सेंस कुछ ये है कि हमारी शुरुआत दिन के सुबह से, आगाज सुबह से होती है, जहाँ मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा होता है और हमें नाश्ता करना होता है, भूख लग रहा होता है। तो फिलहाल एनीवेज उठते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, अपना नाश्ता वगैरह करते हैं। सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसा इंट्रो करके बड़ा ही मज़ेदार सा फील हो रहा है। तो फिलहाल मॉर्निंग हो गई और सीन्स ये हैं कि यार अभी जो है हमने रखी है चाय वगैरह बनाने, लाइट सुबह से गई हुई थी, अभी अभी जस्ट आई है, तो चाय वगैरह बनाने रखी है। फिलहाल चाय वगैरह निकालते हैं, देन फिर नाश्ते के लिए बैठते हैं। तो यार फिलहाल लाइट आई थी अभी और दोबारा चली गई, चेक कर सकते हो। फिलहाल नाश्ता करते हैं, चाय और बिस्किट, और बाकी का सीन बताते हैं। नाश्ते के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मैं अभी कर रहा हूँ, डिक्टेटिंग। सबसे पहले मुझे डिक्टेटिंग का ही ख्याल आता है कि यार मुझे डिक्टेटिंग करनी है, उसके बाद जाके मैं कोई दूसरा काम करता हूँ। सब फिर उसके बाद डिक्टेटिंग करी, थंबनेल बनाता हूँ, प्रीमियर पे ब्लॉग पोस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कहीं जाता हूँ। तो फिलहाल ये सब चीज़ें से फारिग हुए और फिर उज़ैफ़ा आ गया और हम दोनों चले गए होटल पर। अब होटल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हम लोग बैठे 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 अचानक से बंदर आ गया। उज़ैफ़ा, मैंने उस बंदर वाले को 20-30 रुपये दे दिए कि भाई ये रख लो। तो अब वो बंदर ही नहीं नाच रहा, हम बोल रहे यार एक दो गुलाटियाँ खिला दे, ब्लॉग बनाना है। नहीं भाई, वो नाच ही नहीं रहा, वो बंदर के इतने नखरे कि वो नहीं, वो कह रहा है मैं नहीं नाचूंगा भाई, मैं नहीं नाचूंगा। वो बंदर नाचने का नाम ना ले रहा। अब परेशान के मैं 25-30 सेकेंड में उसको शूट कर रहा हूँ कि यार भाई नाच, गुटाठी खा दे, कलाबाजी खा दे, कुछ नया सा तो हो, ये वो बैठा हुआ ही ऐसे बैठा हुआ है भाई, नाच के दिखा, पैसे दिए हैं नाचने के। तो फिलहाल ना वो नाचा ना हमें, हमारे पास इतना टाइम था कि हम और रुकते या और पैसे देते। तो फिलहाल एनीवेज जो है, फिर वहाँ से निकले और अपने डेली रूटीन की तरह फार्मेसी जाने का वो उज़ैफ़ा भाई से मुआहदा करा। लेकिन सबसे बैड सीन हुआ कि वहाँ पे हो गया हमारा चलान 520 रुपये का। मुझे उन अफसर की बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने चलान दिया, गोप्रो लगा हुआ था, उससे वीडियो बनाई उज़ैफ़ा की कि भाई इनका चलान हो रहा है, वो फलाना, उन्होंने एक रुपया रिश्वत का नहीं मांगा। लेकिन मैं एक बात ये बोलूँगा यार, शनाख्ती कार्ड और ये लाइसेंस के ऑफिस में रश इतना होता है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे घरों पर बना के दें, ताकि हमें इन चीज़ों का परेशानी ना हो, मुश्किल ना देनी पड़े। बहुत से लोग NIC बनवाने ही जा रहे होते हैं, उनका चलान हो जाता है तो वो क्या करें। अब वो ना बंधन नाच रहा ना कुछ, लाइट चली गई है, मैं ना चाय पी लूँ। तो फिलहाल ना बंधन नाच रहा ना कुछ, तो फिर मैंने उसको बोला फार्मेसी, तो फिर चलान वगैरह जो हुआ। हाँ तो मैं था इसमें कि यार मुझे अफसर की बात बहुत अच्छी लगी कि जो है उन्होंने चलान वगैरह करा, गोप्रो के ज़रिए सब कुछ करा। लेकिन यार शनाख्ती कार्ड और ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बाहर ममालिक में इस तरीके से घर बैठे बैठे बन जाते हैं, ऑनलाइन बन जाते हैं, तो हमारे मुल्क में तरक्की कब आएगी? या तो फिर वही है कि हमारा मुल्क ज़्यादा अपडेट है, हमारे मुल्क में हर चीज़ अपडेट वर्जन बाद में आते हैं जब वो बाहर ममालिक में रीयूज़ हो जाते हैं। तो मेरे को लग रहा तरक्की भी बाद में ही आएगी। आई थिंक सो कि दज्जाल 2-3 दिन पहले तरक्की लेकर आएगा और फिर सब उसकी तरफ हो जाएंगे और सब कुछ अन्नों में ले जाएगा। मेरे हिसाब से तो फिर यही बनता है, उसके अलावा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है हमारा।
तो खैर जो है कुछ कह नहीं सकते भाई किसी के ही बारे में। कहीं डकी भाई की तरह जो है मेरे घर के बाहर भी ब्लैक बी को लग जाए, मैं तो रहता भी अब सीरिया में हूँ, ब्लैक बी को जलाना दूंगा। जिंदगी में डर किसी से नहीं लगता, खुद से ना, खुद से मतलब है कि अब मैं अगर अकेला हूँ ना तो मैं किसी से भी नहीं डरूँ, लेकिन यह है कि बैक पे हम बाप है और 10 रिश्ते होते हैं तो वो उसकी वजह से बस डर लगता है। फिलहाल एनीवेज जो है फार्मेसी वगैरह के लिए निकले ले। चेंची में बैठ के शाही लोगों की तरह बिल्कुल चिंची वाले, तो चिंची का माहौल बिल्कुल जहाज वाला है, पर फर्क ये है कि वो उड़ नहीं सकती, वरना चलाते वो उसी स्पीड से जिस स्पीड से जहाज चल रहा होता है। बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिलहाल जो है वहां से निकले और अपना ग्रीन बस के शॉप पे पहुंचे, वही पुल चढ़े, वही फार्मेसी पे उतरे। फार्मेसी को उतरे तो फिर जो है अपने काम वगैरह में मशगूल हो गए। रात में फार्मेसी में ब्लॉग ही बनाना भूल गया मैं, जबकि टाइम था काफ़ी, लेकिन वो मोबाइल की चार्जिंग वगैरह की वजह से मैं ब्लॉग बनाना भूल गया। फिर मैंने घर पे आके ब्लॉग बनाना चाहा तो घर पे जैसे ही आया हूँ लाइट चली गई थी। फिर लाइट आई है 1:15 करीब और मैं आया था कोई 12:15 करीब, तो फिर उस वजह से जो है लाइट का बड़ा गलत मामला हो गया था। अभी भी लाइट आई थी 5-10 मिनट के लिए, फिर दोबारा चली गई है। मैं गर्मी में शूट करने का अपने ऊपर सुना रहा था, लेकिन वो दोबारा गर्मी हो ही गई है। तो फिलहाल एनीवेज जो है खाना वगैरह खाया, फिर फाइनली घर वगैरह पे आ गया, फ्रेश वगैरह होकर बिल्कुल डायरेक्ट खाने वगैरह बैठे हैं। सो मैं और पापा साथ ही खाने वगैरह, और टाइम कुछ हो चुका है अभी 1:15, क्योंकि फार्मेसी से बड़ा लेट आना पड़ रहा है। बाइक सही नहीं हुई है, लेकिन भाई मजबूरियाँ भी होती हैं कुछ, इसकी वजह से लेट आना पड़ता है। फिलहाल ये खाना छोले और दाल वगैरह फटाफट खाते हैं अभी खाना, यार मूड बड़ा ही डिप्रेस सा हो रहा है। खाना खाते हैं, खाने के बाद के सीन देखते हैं। और उसके बाद जो है मूड मेरा काफ़ी डिप्रेशन में था उस टाइम पे, अब थोड़ा हैप्पी है मूड। तो फिलहाल यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत सारा ख्याल रखो, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, चाय पी लो गाइस। Answer to everything.